आदेश, मैं विनोद नाथ रहस्य चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज आपको बताने जा रहा हूँ कर्ण पिशाचिनी की रियल साधना, जिससे कर्ण पिशाचिनी आती है। इस साधना में कुछ गुप्त व गूढ़ रहस्य हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। कर्ण पिशाचिनी साधना आपके जीवन को बदल कर रख देगी अगर आप सही तरीके व धैर्य के साथ इस साधना को करते हैं। और कर्ण पिशाचिनी भी आपके पास आ जाती है तो उसके बाद भी अगर आप दूसरी साधनाएं करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस साधना से पहले नवान मंत्र साधना जरूर कीजिए। साधना की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर नवान मंत्र साधना कर सकते हैं। अब और जानते हैं कि कर्ण पिशाचिनी साधना क्या है। सही मायने में कर्ण पिशाचिनी भूतकाल बता सकती है, वर्तमान में बदलाव ला सकती है, और हाँ, कर्ण पिशाचिनी भविष्य नहीं देख सकती, वह ऐसे कार्य कर सकती है जिससे आपका भविष्य बदल जाए। मान लो कि आपने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर ली और आपसे कोई मिलने आ रहा है और आप चाहते हैं कि वह देरी से आए, तो कर्ण पिशाचिनी उस व्यक्ति की गाड़ी में दिक्कत पैदा कर देगी या कैसे भी करके उसके आने में देरी करवा देती है। अब जो बंदा आपके पास मान लो 10 बजे पहुंचने वाला होगा तो अब वो देरी से आएगा, तो एक तरीके से कर्ण पिशाचिनी ने भविष्य बदल दिए। एक ये मान लीजिए कि कहीं आप घूमने गए हुए हैं और वहाँ कर्ण पिशाचिनी आपको किसी महंगी वस्तु के बारे में बता दे जो लावारिस पड़ी है, जैसे कोई सोने की चीज़ हो या कोई अमूल्य वस्तु हो, तो इस प्रकार वह आपके भविष्य में बदलाव लाती रहेगी। तो इस तरीके से भी कर्ण पिशाचिनी ने भविष्य बदल दिया। तो यही है कि कर्ण पिशाचिनी पास्ट को देख सकती है और वर्तमान व भविष्य में बदलाव ला सकती है। कर्ण पिशाचिनी के कुछ अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला अनुभव ये होता है कि स्वप्न एकदम से बदल जाएंगे क्योंकि कर्ण पिशाचिनी का उसी दिन से आपके पास आना जाना शुरू हो जाता है। दूसरा अनुभव होगा कि कर्ण पिशाचिनी रात्रि में साधक के पास आकर उसे जगाएगी और हल्की झलक दिखलाएगी कि हाँ, मैं आ चुकी हूँ। तीसरा अनुभव होगा कि आपके कान में हल्का हल्का कुछ समय के लिए दर्द भी महसूस हो सकता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके मन की बातों को ये पढ़ेगी और उनको पूरा करने में मदद करेगी। एक बात गौर करने वाली है कि आप इसको बहन, प्रेमिका या पत्नी रूप में मना सकते हैं, पर मैं तो राय दूंगा कि आप इसको बहन रूप में ही बुलाएं। अगर आप सिंगल हैं तो इसे प्रेमिका या पत्नी रूप में बुला सकते हैं, पर इसके कुछ बाउंडेशन हैं, मतलब कुछ लिमिटेशन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसकी साधना शुरू करने के बाद आपको किसी लड़की से मोहित नहीं होना है और ना ही किसी से रिलेशन बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि वैसे भी ये आपकी हर इच्छा पूर्ण करने में आपकी हर संभव मदद करेगी। ये आपसे बातें भी करेगी, आपको साधना मार्ग में आगे लेकर भी जाएगी और आपकी हर मुसीबतों से ये लड़ेगी। एक बात और, इससे अगर आपका सही से अच्छा रिलेशन बन जाता है तो आपके लिए एक जैकपॉट का काम करेगी, आपकी हर इच्छा को ये पूरा करेगी। सही बताऊँ तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि ये आपके लिए क्या क्या कर सकती है।
चलिए आइए अब जानते हैं इसके कुछ रूप के बारे में कि ये कैसी दिखाई देती है। ये एक 16 साल की बहुत ही सुंदर कन्या का रूप लेकर आती है। दिखने में बहुत ही आकर्षक और मोहित करने वाली होती है। एक बात का ध्यान रखें कि 21 दिन से पहले आपको इससे कोई भी बात नहीं करनी। और यह साधना करने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और हाँ, जैसा कि हर साधना आपको लो कॉस्ट पे देता हूँ, वैसे ही यह भी आपके मोबाइल रिचार्ज के जितना ही पैसे से आप कर पाएंगे। साधक जो हैं वो अपनी समस्याओं के लिए मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरी टीम हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहती है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं और शक्तियों को देखने का पूरा प्रोसेस चाहिए या दिव्य दृष्टि चाहिए तो आप मेरी वीडियो देख लें जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और पहली और दूसरी वीडियो की साधना पूर्ण होने पर एक बहुत ही छोटा गुप्त विधान है जो आपको करने पर शक्तियाँ सामने आना शुरू हो जाती हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अनुभव जो हैं वो कभी सेम नहीं रहते हैं, अनुभव अलग भी हो सकते हैं इनमें। और इस वीडियो में इतना ही। सभी खुश रहें और आनंदित रहें। आदेश।